हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ये चार टूथ लेके आया हूँ जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहला है ये शेप टूल्स। ये शेप टूल क्या करता है, हम किसी भी आकार को लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमने चौकोर लिया, मैं इसका शेप बदलना चाहता हूँ, इस शेप टूल को लूँगा और लेने के बाद हम इसे पकड़ के जब खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गोल होता जाएगा। अभी यहाँ पर एक टूल होता है ये, इसका नाम होता है कन्वर्ट टू कर्व्स, मतलब जो कर्व्स होते हैं वो सिंपल वे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब अगर मैं इसे खींचूंगा तो ये गोल नहीं होगा, ये अपना शेप बदलेगा। देखिए मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ, आपको ये शेप टूल अगर चलाना आ गया तो समझ लीजिए आप सारे के सारे चित्र जो हैं वो आराम से बना लेंगे, क्योंकि सारा काम इसी का होता है। देखिए अब यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, दोनों साइड से कन्वर्ट करने के लिए लाइन को मैंने इसे ले लिया, तो देखिए ये देखिए हम जैसे चाहें वैसे अपना शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आ रहा है ना शेप, तो हम जैसा चाहें वैसा शेप ले सकते हैं, बशर्ते हमें शेप टूल चलाना आना चाहिए। ये सीधी लाइन करने के लिए है, जैसा कि आपको दिखा यहाँ पर अगर हम बात करें ये, तो इसमें बीच में एक इस प्रकार से पेंडुलम आ जाता है जिससे कि हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं दोनों साइड से, तो ये शेप टूल से होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो ब्रेक कर्व है, जो कर्व है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने का मतलब ये है कि अलग अलग हो जाते हैं। देखिए दो लाइनों में बट गए, यहीं से ये अलग अलग हो गया है। अभी देखिए अगर मैंने इसमें कलर भर रखा होता और इसे मैं ब्रेक कर दूंगा, अलग अलग होने के बाद क्या होता है इसमें से कलर चला जाता है, तो कभी भी जब तक लाइनें जुड़ती नहीं है हम उसमें कलर नहीं भर सकते हैं। चलिए ये शेप टूल आपको यूज़ करके देखना है प्रॉपरली। अब हम दूसरे टूल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा, यहाँ पर हम जाएंगे ये स्मूथ टूल, देख रहे होंगे ये स्मूथ ब्रश है, हम इसको यूज़ करेंगे। अभी देखिए इसका छोटा सा बिंदु आ रहा है, बल्कि मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए इतना बड़ा हुआ है, और बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। आप देखिए जब मैं इस पर चलाऊंगा तो ये ऐसे बाहर की ओर स्मूज करेगा, इस चित्र को एक तरह से खराब करता हुआ चलेगा, तो ये स्मूज टूल है। अगर आप इसको जैसे दो पे कर लिया, मैंने ये वाले जो ऑप्शन है मैंने दो पे कर लिया, दो पे करने से क्या होगा कि जब ये बाहर को आएगा तो ये पतला होता चला जाएगा। देखिए पतला होता चला गया, तो एक पतली सी बिंदी बन के ख़त्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसे बाहर से अंदर की ओर भी ले जा सकते हैं, देखिए बाहर से अंदर की ओर भी ले जा सकते हैं और अंदर से बाहर की ओर भी इसे ले जा सकते हैं। ये जितना नंबर जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतनी जल्दी ये पतला हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये डिग्री दी हुई है, ये भी डिग्री दी हुई है, अगर आप इनसे चलाओगे देखिए पॉइंट जो है टेढ़ा हो गया है और अब ये चलेगा। देखिए पॉइंट जो हमको दिख रहा था, ये जो पॉइंट है ये टेढ़ा हो गया है, अगर मैं इसे नॉर्मल करूँ देखिए यहाँ 30 डिग्री टेढ़ा कर दिया था, अभी बिल्कुल सीधा हो गया है, तो ये यहाँ से हम कितनी भी डिग्री पर इसे घुमा सकते हैं, टेढ़ा हो जाएगा। अभी जो लंबाई है वो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई है वो लंबाई हो जाएगी, तो अब ये भी कर सकते हैं। इसके बाद है ये एक जिगजैग टूल बोलता हूँ मैं इसे, वैसे ये रोगन ब्रश है। इस रोगन ब्रश से क्या होता है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसे तब आपको समझ में आएगा, मैं इतनी जगह को जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए ये लाइनें जूम कर दी हैं मैंने, ये रोगन ब्रश लिया, इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, करीबन करीबन 0.50 कर लेता हूँ मैं इसे, देखिए इतना बड़ा हो गया। अब हम जब इसमें फेरेंगे ये देखिए झिक झैक कट रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए लाइनें जो है झिक झैक करके काट रहा है ये हमारी। अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है, देखिए ये कटिंग जो है बिल्कुल पास पास हो गई है, जितना कम बढ़ाएंगे उतना ये दूर दूर होगी, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी पास पास हो जाएगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखते हैं,
अभी हम कैसा चित्र ले रहे हैं ये देखिए, बिल्कुल सीधी कटिंग हो रही है यहाँ पर प्रॉपर। ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसे थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, डिग्री पे घुमा सकते हैं, फिक्स वैल्यू दे सकते हैं। तो इतने ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद मैं इसे करता हूँ थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा करने के बाद, छोटा करने के लिए मैं जूम पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है जूम का, यहाँ ये माइनस जूम दिया, इससे मैं इसे छोटा कर देता हूँ। और अब जो ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है ये मैं ले लेता हूँ, और इससे मैं इसे घुमाऊंगा तो ये पूरी पेज पर घूम जाएगा, हम जहाँ चाहें वहाँ इसे अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। ये देखिए घूम रहा है ना, जहाँ चाहें वहाँ मैं इसे घुमा सकता हूँ। तो ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, तो इसका भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये कितने डिग्री घुमा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा चित्र किस वे में जा रहा है। अब ये टेढ़ा हो गया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और बीच वाले क्लिक पे दोबारा से क्लिक करूँ सेंटर पॉइंट पे, तो ऐसा पॉइंट आ जाता है। अब इसे मैं खींचूँगा तो क्या होगा, टेढ़ा होगा ना, यही टेढ़ा वहाँ से हो रहा था। तो यही जो टेढ़ापन था वो हम यहाँ से दे रहे थे, यहाँ से ऊपर की ओर टेढ़ा हो जाएगा। इसकी जो एंगल्स हैं, ये वर्टिकल दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है ऊपर वाला, तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से टेढ़ा भी कर सकते हैं। वैसे टेढ़ा करने के लिए बस हमें बीच वाले क्लिक करना है, घुमाने के लिए यहाँ पर क्लिक करके घुमा सकते हैं किसी भी ऑप्शन को, किसी भी चित्र को। देखिए घूम रहा है, और अगर से टेढ़ा करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इसे तिरछा कर लीजिए। इस प्रकार से हम इस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आशा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। नाइस मीटिंग यू गाइस।